असलम डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैथ ट्यूशन सेंटर आई एम प्रोफेसर तौर अहमद जी जनाब क्या हाल है सब ठीक ठाक हैं अच्छा अभी हम पेपर स्टार्ट करने लगे हैं इसका ये पेपर बी है हमारे पास डी ए मैथ का और जो है मैथ है वन टू थ्री और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का एनअल पेपर है ये वाला तो हम इसका करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी पेपर आया था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर ये एट का है कांजुगेट्स एंड मोडलस फाइंड करना है ये क्वेश्चन करने से पहले पहले आपने क्या करना है कांजुकेट कर 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 दे, तो एंड right इसका काजुकेट निकालना और मोडलस निकालना लो जी कांजुकेट क्या होता का है हमारा इसके जी कांजुकेट ऊपर बार ले लेंगे इस्लाम ये, ये बार लिया तो क्या इसका आंसर आएगा योटे वाले का साइन चेंज कर देना है यह यहां प्लस होगा माइनस कर देंगे माइनस होगा तो प्लस कर देंगे इसका कॉन्जुकेट हो गया अब निकालते मोडुलस ये मेरे पास क्या आएगा जी जी मार्ट इक्वल टू यानी कि रियल पार्ट का स्केयर ये, ये रियल पार्ट होता है और इमेजनिंग पार्ट होता है प्लस मैजनिंग पार्ट वन नहीं यहाँ पर मैजनिंग पार्ट वो कैसे वन है कुछ ना साथ क्या होगा इसके वन होता है यहाँ पर इसका स्केयर इसका लिया मैंने यहाँ से ये रियल पार्ट का स्केयर एंड मैजनिक पार्ट का स्केयर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा जी फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव स्केयर रूट इज मोडुलस ये इसका आंसर आ गया आगे देखें क्या कह रहा है बहुत इजी है रियल पार्ट का अच्छा ये देखें जो साइन होता है ना वो ब्रैकेट के अंदर लेना ऊपर स्केयर इसके था यहाँ पे अंदर लेना है तो टू का स्केयर कितना हो गया फोर हो गया ठीक है

दोनों करना मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई बाई जी जाएगा इधर आएगा का yota, इसका भी स्केयर ये कितना आएगा फोर जोटा स्केयर इक्वल टू तो माइनस वन के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये आएगा नाइन और कितना आएगा ये वाला यह आगा थर्टी कैसे किया मैंने जब मैंने इसका स्केयर लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा ये थ्री का स्केर लागू हो जाएगा इस तरह और योटे का स्केर क्या होगा लग हो जाएगा थ्री का स्केर तो नाइन बन जाएगा योटा स्केर इक्वल होता है माइनस वन के तो क्या आ जाएगा माइनस का नाइन हो जाएगा ये तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक है तो ये नाइन प्लस फोर किया थर्टीन आ गया ये प्रूव हो गया इसके अंदर स्टेप जो मैंने किए हुए हैं उसको सेपरेटली करके दिखा दिया लग -लग है अलग अलग किया इसको हमें पता होना चाहिए इस बात का दियर फोर के योटा स्केयर इक्वल टू होता है माइनस वन के यहाँ पर माइनस वन आ गया माइनस का नाइन हो गया पहले यहां माइनस मौजूद है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का नाइन हमारा अप्रूव हो जाएगा जी इक्वल टू थर्टीन जी इसके बाद क्या आएगा फैक्टराइज करना इसको में ये इसको है इसको हमने जी इसका जी फैक्टराइज करते हैं इसको जी कैसे करेंगे ये आ गया सिक्स बल्कि हम पहले इसको ना माइनस बनाना है इसके अंदर यूटी की फॉर्म बन जाए अगर मैं इसको लिख दूँ इस तरह यहाँ माइनस माइनस हंड्रेड बी स्केयर ऐसे कर दें तो क्या बनेगा देखें क्या किया मैंने ये ऐसे ही आ गया और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा इस प्लस को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया प्लस क्या होता है वो होता है माइनस मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा ये वाला जी थर्टी सिक्स ए तो ऐसे ही आ गया अब ये लिखा हुआ है जी हमारे पास जी माइनस हंड्रेड लिखा हुआ है मैं कर दूँ इसका ऐसे माइनस वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड बात हो वही माइनस हंड्रेड हो ना मल्टीप्लाई करवाए अब ये जो माइनस होगा ये वन ये होगा बताया कि जो माइनस वन है योटा स्केर का यहाँ पे क्या आ जाएगा योटा केयर आ जाएगा और हंड्रेड आ गया ऐसे का ऐसे ही हो गया यानी इस माइनस का क्या बन गया योटा स्केर बन गया ये बात अपने माइंड में रखनी तो मैंने साइड पर तो कर दी आपको तो यहाँ पे क्या आ गया इसका यहाँ पे आ गया योटा स्केयर आ गया ये हंड्रेड बी वैसे का ही आ आप तमाम को स्केयर मिल सकते हैं ये आएगा सिक्स ए होल का स्केयर और ये आएगा टेन योटा बी होल का स्केयर क्योंकि अगर स्केयर टेन का लेंगे हंड्रेड आ जाएगा योटा भी स्केयर लागू हो जाएगा और बी का स्केयर लागू हो जाएगा ये आ गया ए का स्केयर बी का स्केयर इसका फार्मूला बन जाएगा एक प्लस करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी भैया काम किया इसके अंदर फार्मूला लगा दिया प्लस माइनस का ठीक है और ये इसकी फैक्ट्राइजेशन हो गई कौन सा फार्मूला लगाया मैंने ये फार्मूला था देयर फोर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ये क्या होता है यह था ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी ये फार्मूला इसमें यूज किया गया है अच्छा नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन दिया हुआ उसने कहता है सिंप्लीफाई करना इसको ही कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे इसकी होती है लेट जी जीज कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से शो करते होते हैं ये आ गया सेवन माइनस टू योटा माइनस फोर माइनस फाइव योटा ये आ जाएगा जी ये कितना आ जाएगा इधर हमारे पास ये वाला सेवन और ये फोर थ्री हो जाएगा ये कितना आ जाएगा ये सेवन आ जाएगा ये जी आ गया जी ख़त्म हो गया क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इसके अंदर तो बिल्कुल तो। तो। ईजी था क्या किया सिर्फ ब्रैकड ओपन की मैंने ये प्लस माइनस माइनस हो गया यूटे वाले को जोटे में सॉल्व कर दिया और ये सेवन में से फोर माइनस किया थ्री आ गया और ये सेवन और टू फाइव और टू सेवन हो गया इसका आंसर बन गया नेक्स्ट देखें क्या करना शो दैट करें क्या ये रियल नंबर है हाँ जी कर लेते हैं शो इसको भी जी लेट किया कि जी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है इसको नाम दे लें ए प्लस योटा भी कोई नाम दे सकते हैं एक्स प्लस योटा वाई भी कह सकते हैं तो इसका कांजुगेट ले लें इसका काजुगेड क्या होता है ए मैन योटा भी क्योंकि योटे वाले का हमने साइन चेंज करना होता है करना क्या हमने जी जी स्केयर प्लस जी काजुगेट का स्केयर हाँ जी जी मेरे पास ये आ गया ए प्लस योटा बी इसका स्केयर यहाँ पे आ गया ए माइनस योटा बी इसका भी स्केयर इनका पास स्केयर ले लिया यहाँ मेरे पास क्या आएगा ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी इधर भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी इसका आ ये, ये क्या आ जाएगा इधर आएगा ए स्केयर ये स्केयर लेंगे जब ये स्केयर बी का लग योटा लाग योटा स्केयर लेंगे क्या आ जाएगा माइनस का वन ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा और ये अगर टू ए बी ओटा आ जाएगा से यहाँ देखें ये भी आ गया ए का स्केयर ये स्केयर लें ये माइनस बी स्केयर हो जाएगा यहाँ आएगा टू ए बी ओटा यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया ये ए ये ए

क्या है? अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से क्या आ जाए लेस देन आ जाए तुम्हारे पास क्या होता है वो इमर फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर होता है अगर प्रॉपर आ जाए आ आ जो इमर है ये प्रॉपर क्या होगा अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से क्या है, आ ये देखो ये एक्स केयर कितना होगा बनती है तुम्हारे पास कौन सा प्रॉपर इसकी देता हूं प्लस वन नीचेगा एक्स स्केर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन देखिए अब नीचे एक्सपी पास तीन वन थी ऊपर वन ये मेरे पास क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सांस य है इसमें तीन डेफिनेशन होती है इस चैप्टर में से ना एक होती है प्रॉपर दूसरी होती है इम की और इसके अलावा पार्शल फ्रैक्शन इन तीनों में एक आती होती है तो एक उसने पेपर में जो आई थी मैंने उस पर लिख दी है और अगर हमारे पास अगर इसकी आ जाए इम प्रॉपर की आ जाए यही डेफिनेशन होगी हम यहाँ पे क्या कर देंगे लिखा लेस देन या कर दें ग्रेटर देन एंड इक्वल यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगी इम प्रॉपर की हो जाएगी अगर आपको आ जाए कि पाशव फ्रैक्शन की है वो डेफिट लिखनी है तो वो इनको लिखते देंगे इसके अंदर ही हम लिखेंगे कन्वर्ट टू ए सब फ्रैक्शन विद द साइन ऑफ द सम अ फ्रैक्शन कन्वर्ट टू ए सब फ्रैक्शन इंक्लूडेड विद द साइन ऑफ द सम एक फ्रैक्शन को छोटे फ्रैक्शन में तब्दील कर दें दरमियान में प्लस की लामत लगाते हुए क्योंकि इसकी उर्दू तो मैंने ये बनाई है लेकिन रात इंग्लिश बेहतर होती है इसकी क्योंकि आपका जो मैथ का मीडियम है वो इंग्लिश है इंग्लिश में आप करेंगे इसको अंदर ठीक है जी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना और वीडियो को बड़े गौर से अपने वॉच करना है ओके जल्ला हाफिज